सैन पित्रोदा का विवादास्पद बयान, छिड़ गया नया सियासी घमासा। कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की नए बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारतीय विविधता की बात करते करते सैम पित्रोदा ने वो कह दिया जो विवादों की वजह बन गया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. Sajade, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। सैम पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम भक्ति पर भी सवाल किए और भारत की सनातन भावना पर भी टारगेट कर बैठे। That's my India. Okay? So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, you know, talking, you know, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. सैम पित्रोदा का जैसे ही बयान आया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। जो जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतरता चला जा रहा है और वो देश के अंदर, भीतर और बाहर सब तरफ से वह नकाब उतर रहा है। राहुल गांधी जी जिसके शागिर्द हैं, उनके कुख्यात उस्ताद सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। कितना शर्मनाक है, वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है, ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, पूरी तरीके से हताश। कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पर रह जाएगी। सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं, न देश की विरासत समझते हैं। द स्टेट्समैन को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने यह बयान दिया है और अब विवादों की इस नई लहर ने उन्हें फिर घेर लिया है। सैम भाई, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ और भारतीय जैसा दिखता हूँ, हम एक विविधतापूर्ण देश हैं। हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सभी एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। यही वजह है कि एक बार फिर कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। श्री सैम पित्रोदा ने पॉडकास्ट में भारत की विविधता को दिखाने के लिए जो उदाहरण दिए वो दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उदाहरणों से खुद को पूरी तरह से अलग करती है। विवादों और सैम पित्रोदा का पुराना नाता रहा है, कई बार कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर चुकी है, तो खुद सैम पित्रोदा भी अपने बयानों को निजी बताते आए। लेकिन सवाल यही है कि क्या सब कुछ पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है या फिर कहानी कुछ और है।